Assalamualaikum, वादा, welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ये जो है चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11. जो चैप्टर नंबर 1 था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसका जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से वो जो है आप देख सकते हो. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट. आज ये हम थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में जानेंगे. यूनिट्स क्या होते हैं? हमने फिजिक्स को डिफाइन किया था कि फिजिक्स जो है डिस्क्राइब करती है जो फिजिकल फिनोमिना है उनको डिस्क्राइब करती है. तो ये जो डिस्क्रिप्शन जो है ये है क्वांटिटेटिव है. इसको हम मेजर करते हैं और क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट इंटर कन्वर्ट करते हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज को. तो क्या है कि जो यूनिट्स है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों लाए गए फिजिक्स में, तो ये जो है इनका जो है बहुत अहम रूल है. सपोज मैं दो एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ यूनिट्स का कंसेप्ट. सपोज एक हाथी है, अगर हमें हाथी का और एक बकरी का कंपेयर करना होगा कि हाथी और बकरी जो है आपस में उनका क्या कंपेयर है कि हाथी कितना है और बकरी कितनी है, तो हमें जो है क्या है कि जो यूनिट मास है उसका जो है कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए. अगर वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में नहीं है तो हम जो है इन दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो अगर तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज जो हाथी है तो 100 टाइम्स है यूनिट मास का और बकरी जो है 20 टाइम है यूनिट मास का. लेकिन ये हमें ये हम तब ये अज्यूम कर रहे हैं जब हमें यूनिट मास का पता है. तो हम कह सकते हैं कि इजीली कह सकते हैं कि जो हाथी है वो 10 टाइम एज कम्पेयर टू द गोट है. तो इसी तरह से मैं दूसरी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको कि अगर हमें यूनिट लेंथ का पता होगा, अगर यूनिट लेंथ का पता नहीं होगा हमें ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ से एमएस स्टेडियम तक जो है कितना डिस्टेंस है. हम जो है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से अगर मैंने जाना होगा एमएस स्टेडियम कि क्या मैं बस से जाऊं, क्या मैं जो है रिक्शा लेके जाऊं, क्या मैं ऑटो में जाऊं, क्या मैं एयरप्लेन में जाऊं, जब तक ना हमें ये पता होगा कि जो यूनिट लेंथ है वो क्या है. तो क्या है कि जो ये है यूनिट है वो क्या है, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी. मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें जो है यूनिट्स, उसके जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी जरूरत पड़ती है किसी भी फिजिकल को. अब जानेंगे हम ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है क्या है कि जो डिस्क्राइब करती है जितने भी फिजिक्स के अंदर लॉज है उनको डिस्क्राइब करती है, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज. अब बहुत सारी तरह के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है. तो कुछ अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब डायरेक्शन के बेस पे, और बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी कि मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती हैं. पहले हम डिपेंडेंसी के बेस पे जो है इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो है बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज. कि वो क्वांटिटीज जो क्या है, बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं. जैसे हमारे पास इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहेंगे या बेस क्वांटिटीज, मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं. जैसे हमारे पास लेंथ आ गया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके रखा हुआ लेंथ का और उसके बाद मास का और टाइम का. तो ये सब क्या है, ये बेस क्वांटिटीज हैं. और जो बाकी क्वांटिटीज हैं, सपोज अब हम ड्राइव क्वांटिटीज देखेंगे. ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है, वो क्वांटिटीज जो क्या है, जो किसी चीज से डिराइव की गई है, मतलब जो बेस क्वांटिटीज से इनको डिराइव किया गया है. जैसे हमारे पास वॉल्यूम है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है और प्रेशर है, इन सब को जो है हमने डिराइव किया है फ्रॉम बेस क्वांटिटी से. फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं, हमारे पास है स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो जो डिस्टेंस है वो जो है लेंथ है, टी इज टाइम. तो यहाँ पे क्या है कि लेंथ यहाँ पे शो कर रहा है वो क्या है, बेस क्वांटिटीज है. क्योंकि पहले मैंने बता दिया आपको लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, बेस क्वांटिटी है. तो कहीं ना कहीं ये जो डिराइव क्वांटिटीज है वो जो है कहां से निकाली गई है, बेस क्वांटिटी से उनको निकाला गया है. ठीक है, तो अब हम जानेंगे बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या क्या है. तो फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो स्केलर्स क्या होता है, स्केलर्स
आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब उनका खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। एक एग्जांपल है हमारे पास मास, हम जो है किसी चीज को उठा लेते हैं उसका मास देख लेते हैं, अब हम ये नहीं कहेंगे इस चीज का मास है इस डायरेक्शन में है या उस डायरेक्शन में है, तो वो क्या आगे जो मास है हमारा वो है स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम है और टाइम है। हम ये नहीं कहेंगे कि आज जो है 12 इस तरह बजे और एक जो है इस तरह बजा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटीज है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या है स्केलर क्वांटिटीज है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, और जो क्या करती है वेक्टर्स लॉज को ऑबे करती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटीज। हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब इसमें एक डायरेक्शन है प्रॉपर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इसमें जो है डायरेक्शन आ रही है। तो ये जो है आ गया हमारा फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो है हमारी यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो है यूनिट्स नहीं होते तो क्या होता है कि अपनी मर्जी से जो है किसी ने किसी क्वांटिटी का अपना यूनिट रखा होता तो हमारा जो कन्वर्सेशन था वो जो है बहुत कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक जगह पे एक यूनिट होता दूसरी जगह पे दूसरा यूनिट होता। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है बेस्ड क्वांटिटी है और डिराइव्ड क्वांटिटी, इसी तरह से जो हमारे जो यूनिट्स हैं वो भी क्या है बेस्ड यूनिट और डिराइव्ड यूनिट है। तो बेस्ड यूनिट्स कौन से यूनिट्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेस्ड यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो क्या है जो मतलब जो बेस्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेस्ड यूनिट, और डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो क्या होते हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम का यूनिट होगा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा फोर्स का यूनिट। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो मतलब साइंटिस्ट के नाम से, जैसे न्यूटन आ गया, उसके बाद आ गया जूल्स आ गया, उसके बाद आ गया और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो बने रहे मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो